द यूनिवर्सल कोड ब्लू। तो आज की ये वीडियो है आप सबके लिए जो हॉस्पिटल से बिलोंग नहीं करते, जिनका मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे अचानक से गिर जाए, बात करते करते नॉर्मल बिहेव करते करते उसे हल्का चक्कर से आए, वो जमीन पे गिर जाए और वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, आप उसका नाम ले रहे हो, आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हो बट वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तब आपको क्या करना है? ये वही कंडीशन है जब हॉस्पिटल में कोड ब्लू अनाउंस होता है। कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट के लिए अनाउंस किया जाता है। ये वो कंडीशन है जब आपका दिल पंप करना स्लो कर देता है, जो ब्लड आपका दिल पंप कर रहा है वो ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, तब होता है कार्डियक अरेस्ट। और इसी कंडीशन में हम देते हैं पेशेंट को CPR। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये वो मेथड है जिससे आप अपने पेशेंट को बचा सकते हैं, किसी भी इंसान की लाइफ को सेव कर सकते हैं। आपने कोविड में सुना होगा कि किसी नर्सिंग स्टाफ ने, किसी डॉक्टर ने या किसी नॉर्मल पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की जान बचाई CPR की मदद से। ये एक ऐसा लाइफ सेविंग मेथड है जिसे आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए। हमारा हार्ट एक ऐसा अमेजिंग ऑर्गन है जो 24 घंटे हर एक सेकंड हर दिन हमारे शरीर में काम करता रहता है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अपने अंदर लेता है और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करता है। ये मेथड ये 24 घंटे करता रहता है, पर सडनली अचानक से कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है, जिसमें ये स्लो हो जाता है पंप करना और ऑक्सीनेटेड ब्लड को पुश करने में ये सक्षम नहीं हो पाता है। ब्लड जो होते हैं वो क्लॉट होने लग जाते हैं और इसी कंडीशन में आता है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट। और तब हम देते हैं CPR। इस टाइम में सबसे पहले आप अपने आसपास वाले लोगों को कहेंगे कि एम्बुलेंस को कॉल करें और बिना किसी का वेट किए आप CPR स्टार्ट करेंगे। CPR हमेशा 30:2 के रेशियो में देते हैं। 30 बार हम सीने में दबाएंगे और उसी बीच में 2 बार हम पेशेंट के मुंह में हवा भरेंगे। पहले आप अपने अंदर अच्छे से हवा भरेंगे और तब पेशेंट के मुंह में हवा भरेंगे। इसके लिए आपके पास दूसरा इंसान होना चाहिए हवा भरने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम कंप्रेस करना शुरू कर रहे हैं, हार्ट हमारा धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दे रहा है और जैसे जैसे आप पुश करते रहेंगे हार्ट आपका अच्छे से काम करता रहेगा। CPR एक ऐसा लाइफ सेविंग मेथड है जिसके लिए आपको किसी की वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कभी भी कहीं भी किसी की जान बचा सकते हैं। आपको 2 इंच नीचे तक प्रेस करना होता है। आप जब भी कंप्रेस करेंगे 2 इंच नीचे तक कंप्रेस करेंगे। 1 मिनट में आप 100 से 120 बार कंप्रेस करेंगे। आप इससे स्लो करते हैं और धीरे करते हैं या फास्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हार्ट काम करना बंद कर देता है। अगर आप अपना हाथ रोक लेते हैं तो वापस से वो हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वहीं पे रुक जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो आपकी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कुछ ही दूर जाके रह जा रहा है। और आप धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं तो भी ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वो तुरंत वापस आ जा रहा है, पूरा उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है हार्ट को कि वो पूरा ब्लड अपने अंदर ले और पूरा ब्लड बॉडी तक दोबारा पहुंचाए। तो ये ज़रूरी है कि आप 1 मिनट में 100 से 120 बार तक पुश करेंगे और 30:2 के रेशियो के हिसाब से 30 बार आप दिल पे कंप्रेस करेंगे सीने पे और 2 बार आप हवा मुंह में फूकेंगे तो ही आप किसी पेशेंट के लाइफ सेव कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपके पास कोई हेल्प नहीं पहुंच पाती या जब तक आपका पेशेंट दोबारा से एक्टिव नहीं हो जाता। इसके बीच में आप इसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा अपना हाथ हटा लेने की या रोक देने की। कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं 1 मिनट कर दिया तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होता। जब तक आपके पास मेडिकल स्टाफ ना आए, कोई हेल्प ना आए, तब तक आप इस मेथड को करते रहेंगे। तो ये था CPR का पूरा प्रोसेस। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा इसे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगले टॉपिक के लिए कमेंट करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।